और दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये है कच्ची रोड गांव की, बहुत ही गंदी रोड। ये हमारे हैवी ड्राइवर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया है, कहाँ पे खड़ी है। सही से मंदिर इतनी ऊंचाई पे है और मंदिर कुछ इस प्रकार है। और गाइस अभी हमारा ट्रिप जो है वो चेंज हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं राधिकेत की ओर, वहाँ का मार्केट बताते हैं आपको कैसा है। अभी खास हम लोग पिज्जा बर्गर के लिए राधिकेत जा रहे हैं, मुंबई के राधिकेत जा रहे हैं। भाई जैसे ही मार्केट आएगा वैसे ही आपको मार्केट का व्यू बताऊंगा राधिकेत का कैसा होता है वहाँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम गया था, ऊपर की मार्केट और नीचे की मार्केट देखी है मैंने। मैं पहले गया हूँ। हाँ चलो देखते हैं, वहाँ खिचड़ी भात खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, क्या हुआ, खाना तो खाना ही है। आगे से हमारी एक बुलेरो जा रही है, बहुत ही प्यारा लगता है पहाड़ों में बुलेरो। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं रानीखेत, मतलब इसको गाड़ी में भी लाओ या चल के भी लाओ तो एक जैसा ही है इसके लिए। तो भैया को पता है मार्केट के बारे में अच्छे से, ये भैया हमें गाइड करेंगे आगे, पकड़ उसको घूम जाएगी छोड़ के वापस चला दीजिए। बाबू आओ तुम मेरे साथ आओ, तुमने कैसे बोला घूम जाएगी। अरे तुम मस्ती कर रहे हो यार। और गाइस हमारा घर रानीखेत में पिज्जा की शॉप में, आप देख सकते हैं हमने एक मीडियम पिज्जा मंगाया है कॉर्न वाली, जो कि नीचे रख और इसने हरकतें कर दिया और ये पिज्जा फिर लिया है रानीखेत मार्केट, पिज्जा वीज़ा खा लिया है, जाने का वक्त आ गया है। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मॉर्निंग के हो रहे हैं 5:18 हो रहे हैं और हम हैं अभी डोट्याल इलाके में, गांव का इलाका है ये। तो अभी हमने यहां से कालिंगा मंदिर जाना है जो कि 27-30 किलोमीटर है यहां से, और फिर वहां से हमें घर जाना है। ये होटल में हमने स्टे किया था ऊपर, रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए सोचा कि यहीं रुक जाए, और ठंड तो यहाँ गर्मी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा है, असर हो रहा है उसका यहाँ बहुत। भैया हीटर लगा के गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं मस्त से। गाइस एक्चुअली हमको वो ऊपर वाले रूम पे रुकना था बट वहाँ ऑलरेडी फुल थे इसलिए हमने यहाँ बुक किया। तो अभी हमने यहाँ से होते हुए जाना है सरायखेत, सरायखेत से जाएंगे सीधा ऊपर की ओर कालिंग का, जो कि एक टॉप पे है काली माता का मंदिर, फिर वहाँ से हम जाएंगे घर की ओर। तो अभी दो जन हैं ऊपर, वो अभी तक तैयारी हो रहे हैं, बट जो भी है सफ़र का आनंद आपको दिला। और दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये है कच्ची रोड गांव की, बहुत ही गंदी रोड। ये हमारे हैवी ड्राइवर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दिया है, कहाँ पे खड़ी है देखो यहाँ पे ये रोड की हालत। और दोस्तों यहाँ ठंडियों के टाइम पे बर्फ पड़ी रहती है, काफ़ी ऊंचाई काफ़ी है मंदिर की, मेरे हाथ में से ही पता चल रहा होगा। दोस्तों फ्राइंग के जब 12-13 किलोमीटर कच्ची रोड की यात्रा करने के बाद ये मंदिर का व्यू मिलता है और ये ऊंचाई पे है काफ़ी। ओ सामने आ गया द्वार, ओ जल्दी आओ रुको मत। कई से मंदिर इतनी ऊंचाई पे है, चलो। और मंदिर कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे घंटिया ही घंटिया है बस सब बजा। और फाइनली हम माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। पानी चाहिए। वाओ। पानी चाहिए। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। और ये घंटी कुछ इस प्रकार लगाई है।
दोस्तों ये खप्पर है यहाँ पे, बकरी रखती है। यहाँ पे टीका लगा रखा है हमें पंडित जी ने, बहुत मस्त है। हाँ तभी कहा था उन्होंने यहाँ की पहचान अलग होती है। कितना अच्छा लग रहा है छत्र ऊपर। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक था, आपने देख ही चुका कि मंदिर कैसा है। चलते हैं अभी घर के लिए, प्रस्थान करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, दिखाते हैं आपको यहाँ की सीढ़ियाँ। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट कीजिए हमको। बाय।